आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आपने अपने फ़ोन में किसी फ़ोन का हॉटस्पॉट कनेक्ट किया है या फिर कोई राउटर कनेक्ट किया है, बट यहाँ पर कनेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर इस टाइप से शो होता है नो इंटरनेट एक्सेस या फिर नो इंटरनेट। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, हमने अपने फ़ोन में एक वाईफाई को कनेक्ट किया है, यानी कि अपने फ़ोन का हॉटस्पॉट कनेक्ट किया है, दूसरे फ़ोन का हॉटस्पॉट कनेक्ट किया है, बट यहाँ पर आप देख सकते हैं हमें यहाँ पर ये शो होता है नो इंटरनेट। तो ये प्रॉब्लम आप कैसे ठीक कर सकते हैं, आइए आज की इस वीडियो में जानते हैं। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले अगर आपने अपने किसी फ़ोन का हॉटस्पॉट कनेक्ट किया है तो आप उस फ़ोन का हॉटस्पॉट बंद करके चालू कर दीजिए, और यहाँ पर अगर आपने कोई राउटर कनेक्ट किया है तो आप राउटर को बंद कर दीजिए, उसके बाद फिर से ऑन कर लीजिए, यानी कि जो कनेक्ट किया है यानी कि वाईफाई या फिर हॉटस्पॉट उसको ऑन ऑफ करना है। यानी कि अगर फ़ोन का हॉटस्पॉट कनेक्ट किया है या फिर कोई राउटर कनेक्ट किया है, यहाँ पर आप उसे ऑफ करके ऑन कर लीजिए। इतनी सेटिंग्स करने के बाद अब आपको अपने इस फ़ोन में कुछ सेटिंग्स करनी है, तो इसके लिए आप अपने फ़ोन की सेटिंग्स को ओपन करिए। अब यहाँ पर वाईफाई वाले ऑप्शन पर क्लिक करिए, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर शो होता है नो इंटरनेट, तो इस पर क्लिक करेंगे। अब क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं जो राउटर या फिर जो हॉटस्पॉट आपने कनेक्ट किया होगा यहाँ पर आपको इस टाइप से शो करा देगा कनेक्टेड। हो सकता है आपके फ़ोन में इस टाइप से कराएगा कनेक्टेड बट नो इंटरनेट। इसके सामने आपको मिलेगा एक एक्सक्लेमेशन मार्क या फिर एक एरो, इस पर क्लिक करिए। अब क्लिक करने के बाद एक ऑप्शन आएगा रिमूव दिस नेटवर्क या फिर ऑप्शन आएगा फॉरगेट का, तो जो ऑप्शन आपके फ़ोन में होगा उस पर क्लिक करिए। हमारे फ़ोन में है रिमूव, तो रिमूव पर क्लिक करके यहाँ पर फिर से रिमूव कर दीजिए और ये डिसकनेक्ट हो जाएगा। अब ये सेटिंग्स करने के बाद यहाँ पर आपको इसे फिर से कनेक्ट करके चेक करना होगा, तो जैसे कि फॉरगेट या फिर रिमूव करने के बाद इस पर क्लिक करके फिर से इसका पासवर्ड एंटर करेंगे, तो पासवर्ड एंटर कर दिया है। अब यहाँ पर हम इस पर राइट क्लिक करके कनेक्ट कर लेते हैं, और जैसा कि आप देख सकते हैं अब ये फिर से कनेक्ट हो चुका है, बट आप देख सकते हैं हमारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई है, यहाँ पर हमें फिर भी शो करता है नो इंटरनेट। अब आपको एक और स्टेप फॉलो करना है, तो उसमें यहाँ पर आपको नीचे जाना है सेटिंग्स में, और एक ऑप्शन आपको मिलेगा एडिशनल सेटिंग्स का, इस पर क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद आपको नीचे स्क्रॉल करना होगा, और नीचे स्क्रॉल करने के बाद आपको मिलेगा नीचे एक ऑप्शन बैकअप एंड रीसेट, इस पर क्लिक करिए। उसके बाद आपको मिलेगा इरेज ऑल डेटा फैक्ट्री रीसेट, इस पर क्लिक करिए, और एक ऑप्शन यहाँ पर आप देख सकते हैं ऊपर रीसेट नेटवर्क सेटिंग्स, यहाँ पर ओनली नेटवर्क सेटिंग्स को रीसेट करना है, तो इस पर क्लिक करेंगे, अपने फ़ोन का लॉक एंटर करिए, और नीचे आपको मिलेगा रीसेट नेटवर्क सेटिंग्स, इस पर आपको क्लिक कर देना होगा। उसके बाद ये थोड़ा सा टाइम लेगा, और यहाँ पर नेटवर्क सेटिंग्स रीसेट कंप्लीटेड आपको शो हो जाएगा, तो बैक आ जाइए, और ये करने से कोई आपका डेटा डिलीट नहीं होगा। अब ये सब स्टेप फॉलो करने के बाद आप अपने इस फ़ोन को बंद करके चालू कर लीजिए, उसके बाद आप चेक कर सकते हैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो जैसे कि यहाँ पर आप फिर से वाईफाई को अपने फ़ोन से कनेक्ट करके चेक करिए, तो जैसे कि हम कनेक्ट कर लेते हैं, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कनेक्टेड हो चुका है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं नो इंटरनेट की प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमें यहाँ पर शो कर रहा था नो इंटरनेट, वो यहाँ से रिमूव हो चुका है। अब इस तरह से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।